प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। प्यारी सात संगत जी, छोटी सी कहानी है, आशा है प्रवान करेंगे। कहानी का शिष्य है, ईश्वर की दया पर संदेह क्यों। एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियां देता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत ही स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम कैसे खा गए। नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है। तो उस अमीर सेठ को समझ में आ गया कि अगर ईश्वर ने हमें इतनी खुश रखा है, इतनी खुशियां संपत्ति दी है, तो कभी इसमें कुछ कड़वाहट, कुछ कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। वह नौकर और कोई नहीं, वो नौकर हम हैं, और वो सेठ मालिक परमपिता परमात्मा निरंकार है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, जो वो हमें दे रहा है, हमें उसी में शुक्राना करना है, क्योंकि वो हर पल तो हर समय हमारे साथ अच्छा ही कर रहा है और अच्छा ही दे रहा है, फिर हम संदेह क्यों करें। इसीलिए असल में यदि हम समझ सके तो जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए कभी भी हमें इस ईश्वर परमपिता परमात्मा पर संदेह नहीं करना है। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी।